हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रदीप शर्मा। आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। बच्चों, चंद्रशेखर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। क्लास टेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, आज का लेक्चर नंबर 6। और आज मैं बात करूंगा आपसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, और फिर बात करेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन की। बस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो चीजों का रिप्लेसमेंट होता है, एक का नहीं दो का। डबल मतलब दो चीजें, यानी कि दो आयंस अपना स्थान, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे, ऐसा कहलाता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक कंपाउंड है Na2SO4। मेरे पास एक कंपाउंड है सोडियम सल्फेट। अब मैंने ये 3 ml लिया, 3 ml। मेरे पास ये एक टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने सोडियम Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। कितने ml लिया बच्चों? 3 ml। मैंने इसमें डाला बेरियम क्लोराइड BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन। बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन। मेरे पास ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है, अब मेरे पास ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है और बच्चों मेरे पास इसमें था, जो मैं यहां से इसमें डाल रहा हूं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन। ये दो टेस्ट ट्यूब मेरे पास थी, मैंने इनको पकड़ के यहां से इसमें से डाल दिया। आफ्टर दैट जब मैं डालता हूं तो क्या होता है, मुझे एक यहां से का जो है, जब मैंने डालूंगा तो डाल लेने के बाद जब मैं यहां मिक्स कर लूंगा तो मुझे यहां पर एक प्रेसिपिटेट गेन होगा, एक अवक्षेप गेन होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। मुझे एक व्हाइट पीपीटी गेन होगा, और वो व्हाइट पीपीटी किसका है? जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ये वाला आयन और ये वाला आयन, यहां से देखो एक ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब यहां बेरियम क्या होगा? हाई रिएक्टिव है। तो जब ये बेरियम हाई रिएक्टिव है विद रेस्पेक्ट टू सोडियम, तो यहां से बेरियम आयन और सोडियम आयन दोनों आयनों का क्या हो जाएगा, स्थान की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो ये वाला तो यहां पहुंच जाएगा और ये वाला पहुंच जाएगा यहां। तो किस तरीके से होगा, यहां से आ जाएगा Ba, और बच्चों जब ये आ जाएगा तो क्या बनेगा, सल्फेट आयन SO4, क्योंकि Ba+2 पॉजिटिव, SO4+2 नेगेटिव, चार्ज खत्म, प्लस आगे का बच गया हमारे पास Na, यहां का बच गया Cl, दैट इज NaCl। इक्वेशन को बैलेंस कर लेता हूं मैं, यहां नहीं लिखता जिससे आपके फिगर में कोई दिक्कत ना आए, NaCl। तो नमक आपका बन गया बच्चों, बैलेंस करें सोडियम के 2, यहां 1 ही है, 2 से मल्टीप्लाई, क्लोरीन के कितने हो गए 2। बच्चे एक टेक्निक होती है इक्वेशन को बैलेंस करने की, सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस कीजिए, उसके बाद आप नॉन मेटल को बैलेंस कीजिए, और सबसे लास्ट में आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लोगे तो बड़ी अच्छी बात है। तो ध्यान देंगे मैं इसी टेक्निक से बैलेंस करता हूँ, इजीली बैलेंस हो जाती है। सबसे पहले मैं मेटल को बैलेंस करता हूँ, जो मेटल्स है मेरे पास, और नॉन मेटल को बाद में। जैसे मैंने यहाँ सोडियम को पहले बैलेंस किया, सोडियम मेटल होता है 2, यहाँ पर 1 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब बेरियम
अब क्लोरीन कितने हो गए दो, क्लोरीन कितने हो गए दो, सल्फर कितनी है एक, सल्फर कितनी है एक, ऑक्सीजन कितने चार, ऑक्सीजन कितने चार, इक्वेशन बैलेंस हो। बच्चों बेरियम सल्फेट जो है वो वाहित परिसिपिटेट होता है, सफेद अवक्षेप। बच्चों मैंने परिसिपिटेट आपको बताया था, परिसिपिटेट कहते किसे हैं, मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन के दौरान, किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि कोई प्रोडक्ट आपको सॉलिड स्टेट में गेन होता है उसी प्रोडक्ट को आप लोग कहते हो परिसिपिटेट, यानी कि अवक्षेप। और इसका सफेद रंग है ये हमें प्राप्त हो जाता है व्हाइट परिसिपिटेट, बेरियम सल्फेट। तो बच्चों ध्यान देंगे, और हमें क्या प्राप्त होता है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पर ये परिसिपिटेट तो क्या हो जाएगा, बॉटम में आपका सेट हो जाएगा टेस्ट ट्यूब की, यानी कि टेस्ट ट्यूब की तली में आपका बैठ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी है, जो केमिकल इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी है केमिकल रिएक्शन की, वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। यहां से का सोडियम ने बेरियम को, बेरियम ने सोडियम को, दो आयंस का यहां पर क्या हुआ है पोजिशन चेंज हुई है, इसलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसी रिएक्शन आगे कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो आयंस का क्या हो, चेंज हो, उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उनके आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, तो वे रिएक्शन कहलाते हैं आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहलाती है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों ध्यान दें, अब मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब आप बच्चों फर्स्ट ईयर में जाओगे तो केमिस्ट्री सेकंड का जो पहला लेक्चर आएगा वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ही है। यहां तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बच्चे ध्यान दें, पहले ऑक्सीडेशन की बात करता हूं, तो हिंदी में कहा जाता है ऑक्सीकरण, सॉरी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहते हैं जी। और रिडक्शन को हिंदी में कहा जाता है बच्चों अपचयन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। बच्चों ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यदि जुड़ रही हो, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यह कहलाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या फिर हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। बच्चों ऑक्सीजन के अपोजिट, ऑक्सीजन का उल्टा होता है बिल्कुल रिडक्शन, मतलब रिडक्शन जो है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा होता है, समझे। तो इसमें क्या होगा, एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन निकलती हो वो रिडक्शन होता है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती हो वो रिडक्शन होता है। तो चार कंडीशन हम लोगों ने पढ़ ली है, इसके अतिरिक्त आप और भी पढ़ोगे बाय इलेक्ट्रॉन बेस, लेकिन वो आपके स्टैंडर्ड में नहीं है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन जिसमें ऑक्सीजन निकलेगी, भाई जब यहां जुड़ रही है ऑक्सीडेशन में तो रिडक्शन में क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, और रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ती है
यानी कि आप चेन में हाइड्रोजन जुड़ती है तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगी रिमूव। तो ध्यान रखें ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आफ्टर दैट रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड क्या भाई, रिडक्शन। तो बच्चों ध्यान दें, अभी जैसे मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास कार्बन है, मैंने कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ और बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो यू नो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीजन क्या हो रही है, इसमें ऐड हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, मुझे याद करके प्राप्त हुई। ऐसे ही मैंने कहा आप लोगों को, जरा ध्यान दीजिए मेरे पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। किसकी प्रेजेंटेशन में ली है, प्लेटिनम की, टेम्परेचर 50-100 डिग्री सेल्सियस पर कराई। तो ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाएगी तो बन जाएगा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो ऐड हुई है कि नहीं है, एक सल्फर के साथ यहाँ दो ऑक्सीजन है बट यहाँ एक सल्फर के साथ तीन ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर सल्फर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ उनको बैलेंस कर लीजिए, तो बैलेंस करोगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है, सल्फर एक सल्फर एक, ऑक्सीजन कितने हैं जी, तो यहाँ दो है, यहाँ पर दो तो ये हो गए, दो ये हो गए, चार यहाँ कितने हो गए, तीन, दो से मल्टीप्लाई करा 2, 3 जा 6, 2, 3 जा 6, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2, 2 जा 4, 2, 6, तो ये क्या बनेगी, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब सल्फर ट्राई ऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड हुई तो क्या बनेगी, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, और जिस इक्वेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो उस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ लिया मैग्नीशियम, मैंने इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO मेटल ऑक्साइड बन गया। तो ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन, क्या है ये ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड है, क्या है इसमें ऑक्सीजन ऐड है। तो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाती हो, ऐड हो जाती हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन आपकी समझ में आ गया, कोई दिक्कत है किसी को तो मुझे बता देना, यदि हो तो वॉइस मैसेज के माध्यम से या फिर आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, यदि कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो अपने क्वेश्चंस को। बच्चों मैं अभी और भी एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। अब सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की मैं बात करता हूँ तो बच्चों ध्यान दीजिए, और सबसे पहले इसमें क्या बनेगा, यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, H2O, क्या बना लेंगे बच्चों, H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले तो क्या बनेगा, H2 प्लस, यहां से क्या बचेगी, सल्फर, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना लेंगे और ये क्या बच जाएगा, सल्फर। अभी इक्वेशन को बैलेंस करो आप, हाइड्रोजन कितने हैं, दो, हाइड्रोजन कितने बच्चे, दो, सल्फर कितने हैं बच्चे, दो, और ऑक्सीजन कितने हैं बच्चे, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई करो, दो से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, चार, यहाँ से कितने हैं, दो से मल्टीप्लाई यार करो, 2, 2 जा 4, 2, 2 जा 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, सल्फर 2, तो ये रही 1, ये रही 3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो। अब बच्चों देखो जरा ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकली है, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकली, रिमूव हुई यहां से, और जब यहां से हाइड्रोजन निकली तो क्या बना, सल्फर बच गया, क्या बच गया जी, सल्फर। तो जब किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो उसका क्या जाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन किस चीज में हुआ है, सल्फर में, किस चीज में हुआ बच्चों, सल्फर में। किसने कराया, सल्फर डाइऑक्साइड ने कराया भाई, इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई तभी तो हुआ, अगर मैं इसकी रिएक्शन ना कराऊं तो क्या हो जाता, नहीं होता। तो जिसने कराया उसको कहा जाता है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं बच्चों इसको? ऑक्सीकारक। जो ऑक्सीडेशन करा रहा हो, जो ऑक्सीकरण करा रहा हो अपना नहीं किसी दूसरे का, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीकारक। तो सल्फर डाइऑक्साइड ने हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन कराया, सल्फर में इसने तो कराया इसका, तो ये क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया जी। समझ में आ गया? और ध्यान रखना, कोई भी रिएक्शन हो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो उसका सेल, उसका खुद का क्या हो जाएगा? उसका खुद का रिडक्शन हो जाएगा। बच्चों अभी बताता हूं कैसे। यदि मैं इसको देखू, इसमें से क्या निकला है? यहां से ऑक्सीजन निकली, यहां से हाइड्रोजन निकली, तभी तो ज्यादा वाटर बना। तो यहां से निकली क्या? ऑक्सीजन। और मैंने बताया था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजेशन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो ये क्या होगा आपका? रिडक्शन। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है? रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराता क्या है? ऑक्सीडेशन कराता है। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार से ये क्या है, जब इसने तो इसका ऑक्सीडेशन कराया, तो इसने इसका क्या करा दिया? इसने इसका रिडक्शन करा दिया। और जब इसने रिडक्शन करा दिया तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है ये, मतलब अपचायक। क्या चीज है? अपचायक है। तो मैं आपको समझा रहा हूं, जो ऑक्सीडेशन कराएगा उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन कराएगा उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गई बात आपके? अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ कैसे पहचान करेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये दो ही बातें हमें फिलहाल ध्यान रखनी है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, इसमें से हाइड्रोजन निकली, तो इसका क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन हुआ। देखो यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ केवल सल्फर है, तो इसमें से क्या निकल गई? हाइड्रोजन निकल गई। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। अब मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ से क्या निकली? ऑक्सीजन। यहाँ से क्या निकली? ऑक्सीजन। तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो इसका तो रिडक्शन हुआ। यहाँ से क्या निकली? हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, डेफिनेशन आपको पता लगेगी। आपको इतना याद करना है कि किसी से हाइड्रोजन जुड़ेगी तो ऑक्सीडेशन होगा, और सॉरी किसी से हाइड्रोजन जुड़ेगी तो ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन निकलेगी तो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन निकलेगी तो ऑक्सीकरण होगा। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, जैसे मेरे पास कॉपर है बच्चों। अब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हीट करा तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड के रिएक्शन में वाटर हाइड्रोजन से करा दूं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा? H2O बना लेंगे, प्लस कॉपर फिर से क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, ये हुआ क्या? यहां पर ऑक्सीजन ऐड है तो ऑक्सीडेशन, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकली, तभी तो कॉपर बचा। तो जब ऑक्सीजन निकल गई, रिमूव हो गई, तो यहां क्या बन गया? जल। तो यहां क्या हो गया? इस कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है कॉपर में। तो बच्चों इसी को कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। एक एग्जाम्पल मैं आपको और भी बताता हूं, मुझे ध्यान दीजिए। जैसे मेरे पास है SnCl2, दैट इज स्टेनस क्लोराइड। क्या ये स्टेनस क्लोराइड है? इसकी रिएक्शन HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड से मैंने कराई, तो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? यहां से ये इसके साथ SnCl4 बन जाएगा, प्लस HgCl2 मर्क्यूरस क्लोराइड। ये मर्क्यूरी क्लोराइड है, ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, ये स्टेनस क्लोराइड है, ये स्टेनिक क्लोराइड है। बच्चों सिंपल सी बात, यदि मैं करता हूं, ऑक्सीजन की नेचर क्या, उसकी टेंडेंसी क्या? ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रो निगेटिव, इलेक्ट्रो निगेटिव सब्सटेंस है, या एलिमेंट मैं कहूंगा। ऑक्सीजन की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रो निगेटिव, विद्युत ऋणात्मकता का तत्व है,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है। और क्लोरीन क्या है? क्लोरीन भी बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही है। तो दोनों की टेंडेंसी सेम, मतलब ये वाली नेचर इनकी सेम है। वो कौन ज्यादा कौन कम वो टेंडेंसी नहीं बता रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं कि दोनों की नेचर क्या है। दोनों सबसे पहले तो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल होने से इनके पास एक प्रॉपर्टी है कि दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक तरीके से हम समझे तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, तो ऑक्सीडेशन, मतलब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। क्लोरीन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब क्लोरीन ऐड होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो अभी आप चेक करिए, बात करता हूं मैं इसकी, यहां पर एसेंशियल टू में स्टेनस क्लोराइड में दो क्लोरीन है, जबकि स्टेनियस स्टेनिक क्लोराइड में चार क्लोरीन हो गए। अब क्लोरीन की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो तो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि हमने पढ़ाया ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सिंपल सी बात क्या हो गई, यहां दो से यहां चार हो गए, तो इसमें क्लोरीन ऐड हो गया, स्टेनस क्लोराइड से स्टेनिक क्लोराइड बना, तो इसमें क्या हुआ है, क्लोरीन ऐड है, क्या है, क्लोरीन ऐड है। तो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो क्या ऐड होता है, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो स्टेनस क्लोराइड का इसमें हो गया ऑक्सीडेशन, क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन हो गया इसमें। अब यहां पर क्या हुआ है, एक मरकरी के साथ दो क्लोरीन एटम अटैच है, यहां पर दो मरकरी के साथ दो क्लोरीन अटैच है। जरा रेशियो निकालें, 1:2 का है, यहां निकालूं तो 1:1 का है। क्लोरीन किसमें, दो क्लोरीन है, लेकिन यहां रेशियो क्या आएगा, 1:1 का। तो यहां पर क्लोरीन कम है कि नहीं है, बोलो, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज हुआ है मामला, जब घट गया है तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होने से ऑक्सीडेशन होता है, तो निकल जाने से क्या होगा, रिमूव हो जाने से क्या होगा, रिडक्शन होगा। बाय ऑक्सीडेशन में ऐड होने से होता है ऑक्सीडेशन, तो निकल जाने से क्या होगा, ऑक्सीडेशन के अपोजिट काम होगा, रिडक्शन। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड का रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, रिडक्शन। और जब इसका रिडक्शन हुआ है, मतलब इसका अपचयन हुआ है मर्क्यूरस क्लोराइड में। तो सिंपल सी बात, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की दोनों एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर हो रही है, मतलब एक ही इक्वेशन के अंदर मैंने शो कर दिया है। और जब दोनों की दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हो, तो उसे कहा जाता है बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मैं मानता हूं आपकी बात समझ में आ रही होगी, तो बच्चों आप एग्जांपल को समझें और सीखें। मैंने कहा था केमिस्ट्री को रटना नहीं है, केमिस्ट्री रटने से कभी नहीं आएगी, केमिस्ट्री को समझें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।